हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज। आज की फिल्म है गोल्ड। लालच और अज्ञानता का एक ऐसा सफ़र जिसे देख आपके होश उड़ जाएंगे। भविष्य की ऐसी दुनिया जिसे हम डिस्टोपियन सोसाइटी कहते हैं। इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आधी आबादी अर्थ से ख़त्म हो चुकी है। जो बचे हुए लोग हैं उनके ज़िंदा रहने के लिए सर्वाइवल ही एकमात्र रास्ता है। कहानी की शुरुआत में हम एक ट्रेन को देखते हैं जो एक बीहड़ से होकर गुजर रही है। उसमें एक शख्स है, उसका नाम वर्जिल है। वो अपने सफ़र पर निकला है, शायद उसे कहीं पहुंचना है। ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकती है। वो वहां उतर जाता है और वहां एक शॉप के पास जाता है। भीतर एक शख्स बैठा होता है। वर्जिल उससे कहता है कि आज वो यहाँ एक शख्स से मिलने वाला था। क्या वो यहाँ आया था? पर वो शख्स उसका कोई जवाब नहीं देता। वो उस शख्स से बाथरूम का रास्ता पूछता है। वो पीछे की तरफ इशारा करता है। वो बाथरूम में जाकर बैठता है। तभी बाहर से एक शख्स उसे आवाज़ देता है। ये वही शख्स था जो उसे सफ़र पर ले जाने वाला है। उसका नाम कीथ है। वर्जिल ने उसे हायर किया था। उसे ईस्ट की तरफ जाना है। कीथ कहता है $100 गैस के, $20 पानी के और $200 तुम्हें वहाँ तक ले जाने के। वर्जिल कहता है मुझे लगा गैस $200 में ही इंक्लूड है। कीथ कहता है अगर कोई समस्या है तो मैं गाड़ी फिर से घुमा सकता हूँ। पर वर्जिल कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वर्जिल गाड़ी का एसी चालू करता है। कीथ उसे तुरंत बंद कर देता है। वो कहता है इससे गाड़ी के इंजन पर जोर पड़ेगा और गाड़ी बंद हो जाएगी। सफ़र काफ़ी लंबा था। दोनों एक बीहड़ से होकर गुजरते हैं। गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है। वर्जिल टायर बदलता है। वहाँ वो देखते हैं एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को नोच खा रहा है। क्योंकि उस वक्त बीहड़ में कुछ नहीं था तो कुत्ते जंगली हो गए थे जो मिले नोच खाते थे। कीथ उस कुत्ते को भगा देता है और घायल कुत्ते के सर को एक पत्थर से कुचल देता है ताकि उसे दर्द का सामना न करना पड़े। दोनों वहां से आगे के सफ़र पर निकल जाते हैं। रात वो एक जगह रुक जाते हैं। कीथ के पूछने पर वर्जिल बताता है वो वेस्ट से है। वो अपने जेब से एक एडवर्टाइजमेंट निकालता है। वो जहाँ जा रहा है उस जगह का नाम कंपाउंड था, जो एक तरह का कंस्ट्रक्शन साइट है, और वो वहीं सेटल हो जाएगा। कीथ बताता है तुम जहाँ जा रहे हो वो काफ़ी बेकार जगह है, काफ़ी मेहनत भरा काम है और घंटों का कोई हिसाब नहीं है। वर्जिल कहता है मैं मेहनत करने से नहीं डरता। सुबह वो सफ़र पर निकल जाते हैं। गाड़ी वर्जिल ड्राइव कर रहा होता है। कीथ सो रहा था। उसे सोता देख वो एसी चालू कर देता है और कुछ देर में गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है। ये देख कीथ गुस्से में आ जाता है। वर्जिल उससे माफ़ी मांगता है कि उसे एसी नहीं चालू करना चाहिए था। अब वो उस बीहड़ में बीचों बीच थे जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। कीथ बताता है शायद रबर की पाइप फट गई होगी। वो इंजन ठीक करने लगता है। यहाँ वर्जिल एक पेड़ के पास आता है। वो एक सूखा पेड़ था। उसके बगल में उसे कुछ पत्थर इकट्ठा रखे हुए दिखाई देते हैं। वो उनकी तरफ जाने लगता है। उसे वहाँ पत्थरों के बीच चमकदार चीज़ दिखाई देती है। वो उस पे की मिट्टी साफ करके देखता है। वो सोना था। वो दूर कीथ की तरफ देखता है इस बात की उसे जानकारी दे या ना दे, पर वो सोचता है अकेले इसे यहाँ से ले जाना भी आसान नहीं होगा। वो उसे अपने पास बुलाता है। कीथ वहाँ आता है। वो उस सोने पर लाइटर के आग की मदद से देखता है वो असली है या नहीं, पर उसे पता चलता है ये बिल्कुल असली है। दोनों उस जगह की खुदाई शुरू कर देते हैं, पर वो काफ़ी अंदर तक धंसा हुआ था। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वो सोना अपने जगह से नहीं हिलता। वो खुदाई करके काफ़ी थक चुके थे। वो गाड़ी के पीछे रस्सी बांधकर भी उसे खींचते हैं, पर रस्सी टूट जाती है और वो सोना नहीं हिलता। उन्हें कुछ पता भी नहीं था कि इसकी जड़ कहाँ तक है। वो और खुदाई करते हैं पर फिर भी कुछ हल नहीं निकलता है। वो देखते हैं शाम होने आ गई है। कीथ लकड़ियाँ इकट्ठा करता है क्योंकि रात होते ही वहाँ बीहड़ के कुत्ते शिकार के लिए निकल जाते हैं। आग से वो उनके पास नहीं आएंगे। कीथ काफ़ी खुश था। वो खुशी से नाचने लगता है क्योंकि उन्हें काफ़ी बड़ा सोने का ढेर मिल गया था। वर्जिल भी काफ़ी खुश था। अब उसे कंपाउंड जाकर काम नहीं करना होगा। रात कीथ कहता है हम में से किसी एक को वापस जाकर एक्सकेवेटर लाना होगा ताकि हम इसकी खुदाई कर इसे निकाल सकें। किसी एक को इस सोने की रखवाली के लिए यहीं रुकना होगा। कीथ बताता है मैं ईस्ट में एक जगह जानता हूँ जहाँ हमें एक्सकेवेटर मिल जाएगा जो यहाँ से सिर्फ 2 दिनों की दूरी पर है। तुम चले जाओ, मैं इस सोने की रखवाली करता हूँ। वर्जिल कहता है मैं इस सोने के पास रुकता हूँ और तुम जाकर एक्सकेवेटर ले आओ क्योंकि तुम्हें जानकारी है कि वो कहाँ मिलेगा। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। कीथ कहता है तुम्हें इस बीहड़ में सर्वाइव करने का तरीका भी नहीं पता है। पानी कैसे इस्तेमाल करना है और सूरज की रोशनी से कैसे बचकर रहना है और अपने लिए खाना कैसे इकट्ठा करना है।
वर्जिल कहता है वो सब मैं संभाल लूँगा। कीथ जाने के लिए मान जाता है। सुबह कीथ उसे पानी का एक छोटा गैलन देता है और 3 कैन फूड, जिसमें उसे आने तक सर्वाइव करना है। वो वर्जिल को एक सैटेलाइट फ़ोन देता है। वो कहता है एक्सकेवेटर मिलने के बाद मैं तुम्हें इस पे कॉल करूँगा और मुझे सभी जानकारी देते रहना। और कीथ वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। अब इस बीहड़ में वर्जिल बिल्कुल अकेला था। उसे अगर डिहाइड्रेशन से बचना है तो सूरज की रोशनी से बचकर रहना होगा, ताकि वो कीथ के आने तक सर्वाइव कर सके। वो उस पेड़ की शाख से कपड़े को बांध उसके नीचे बैठ जाता है और सैटेलाइट फ़ोन को चेक करता है। वो काम कर रहा था। हम देखते हैं शाम होने आ गई है। वो जाकर आग जलाने के लिए लकड़ियाँ ले आता है। रात वो आग जलाकर वहीं बैठ जाता है। वो खाना और पानी हिसाब से खा पी रहा था, क्योंकि कीथ ने कहा था उसे आने में देर भी हो सकती है। किसी तरह रात गुजर जाती है। सुबह वो देखता है सूरज सर पर है और उसके गर्मी से सारी धरती तप रही है। सुबह कीथ का फ़ोन आता है, पर फ़ोन उठाने तक वो कट हो जाता है। दोपहर वो वहीं बैठा हुआ सोने को देख रहा है और मन ही मन काफ़ी खुश हो रहा था। उस बीहड़ में एक एक लकड़ी को इकट्ठा करना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए वो एक साथ सभी लकड़ियों को उसी कपड़े पर लाद देता है और उसे घसीट कर ले आता है। वो आकर देखता है सोने के ऊपर से धूल हट गई है। अगर किसी ने इसे देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। वो फिर जाकर उसे पत्थरों से ढक देता है और वो थोड़ी ऊंचाई की तरफ चल के आता है। शायद उसे कोई इससे अच्छी जगह छिपने के लिए मिल जाए। वो देखता है सामने एक क्रैश प्लेन है, शायद ये उसके रहने के लिए अच्छी जगह हो सकती है। वो उस प्लेन के पास आता है, पर उसे अब भी सोने का ही ख्याल आ रहा था। उसे लगता है यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। वो प्लेन से कुछ टूटे दरवाजे अपने पीछे रस्सी से बांध लेता है और उसे ले जाने लगता है। हम देखते हैं सूरज की तपती गर्मी की वजह से उसके शरीर पर छाले पड़ने शुरू हो गए थे। वो सभी मलबे को किसी तरह उस पेड़ के पास लेकर पहुंचता है और उसी पेड़ से लगाकर अपने रहने लायक एक झुग्गी बनाता है, जहां वो सूरज की रोशनी से बचा रहेगा। पर उसमें भी उसका शरीर पूरी तरह से तप रहा था और वो बाहर आकर सोने के पास बैठ जाता है और उसे देखने लगता है। शाम वो पत्थर से मारकर उस सोने के ऊपर का हिस्सा तोड़ने की कोशिश करता है और वो टूट जाता है। ये देख वो काफ़ी खुश होता है। तभी उसे कीथ का फ़ोन आता है। वो बताता है रास्ते में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, उसे थोड़ा वक्त और लगेगा। अभी तक उसे एक्सकवेटर भी नहीं मिला है। ये सुन वर्जिल काफ़ी परेशान हो जाता है। रात वो आग जलाता है, पर अब जंगली कुत्तों को उसके यहाँ होने का पता चल गया था। वो किसी तरह से आग की मदद से उन्हें भगाता है। सुबह हम देखते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से उसके पूरे शरीर पर छाले पड़ने लगे थे। अब वो शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, पर अब भी उसके पास एक बोतल पानी था। वो अपने सामने एक सांप को देखता है। वो उसका शिकार कर उसे खाने सोचता है, पर जैसा ही वो उस पर हमला करता है वो सांप बच के भाग जाता है और उसके पैर से लग के बोतल का पानी नीचे गिर जाता है। ये देख वो काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो पानी उसके सर्वाइवल का एकमात्र रास्ता था। वो अपनी बेवकूफ़ी पर काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है। अब उसके पास खाना भी ख़त्म हो चुका है। वो फिर से उसी प्लेन के पास जाता है, ताकि उसे और कोई अपने ज़रूरत का सामान वहाँ मिल सके। वो दूर एक अजनबी को आता देखता है। वो उसकी ही तरफ आ रहा था। उसे देख वर्जिल प्लेन में छिप जाता है। वो काफ़ी डरने लगता है, कहीं उसे सोने का पता न चल जाए। वो सोने के टुकड़े को बैग में छिपा देता है। वो अजनबी वहाँ आ जाता है। वो एक सर्वाइवर महिला थी। वो वर्जिल को बाहर बुलाती है। वो कहती है, क्या तुम अकेले हो यहाँ? वो सोचती है इतने सुनसान बीहड़ में बिना खाने पानी के कोई इंसान क्यों रुकेगा। उसे वर्जिल पे शक होता है कि वो उससे कुछ छिपा रहा है, पर वर्जिल किसी तरह से उससे अपना पीछा छुड़ाना चाहता था, इसीलिए वो उसके किसी बात का ठीक से जवाब नहीं देता। वो ऊंचाई के उस तरफ जाने लगती है। वर्जिल को लगता है अगर वो उस तरफ गई तो उसे पेड़ वाला उसका शेल्टर दिख जाएगा और उसी के बगल में सोना गड़ा हुआ है। वो उस महिला को रोकता है। वो बताता है, मैं बस इस कचरे को जला रहा हूँ, तुम इस प्लेन में रह लो, मैं अपने शेल्टर जा रहा हूँ। वो काफ़ी घबराया हुआ था। इससे उस महिला का शक और गहरा हो जाता है। वर्जिल अपने शेल्टर की तरफ आने लगता है। वो महिला भी उसके पीछे आने लगती है। वो कहती है, तुम इस बीहड़ तक पहुँचे कैसे? वो बताता है, मेरा दोस्त यहाँ से गुजरने वाला है, वो मुझे अपने साथ कंपाउंड ले जाएगा। वो उस महिला के सवालों पर और गुस्सा हो जाता है और यहाँ से चले जाने के लिए कहता है, पर वो देखती है वर्जिल काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। पानी न मिलने की वजह से उसका शरीर सूख रहा है। कोई इस तरह मौत को क्यों गले लगाएगा? ज़रूर वर्जिल उससे कुछ बड़ा राज छिपा रहा है। वर्जिल उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है।
पर वो महिला उस पर गुस्सा हो जाती है। वर्जिल सीमेंट पीकर उठाता है और उसके सर पर जोर का हमला करता है, जिससे उस महिला की वहीं मौत हो जाती है। वो उसके जेब से अपने ज़रूरत का सामान निकाल लेता है और वहीं थोड़ी दूर ज़मीन खोदकर उसे दफना देता है। पर थोड़ी देर बाद वो देखता है कुत्ते उसकी लाश को खोदकर निकाल लेते हैं और नोचने लगते हैं। वो जाकर कुत्तों को भगा देता है और वो उसकी लाश को घसीटकर दूर ले जाता है और जला देता है। रात वो काफ़ी उदास बैठा होता है। उसने कभी सोचा नहीं था उसे किसी की हत्या करनी पड़ेगी। सुबह कीथ का फ़ोन आता है। कीथ बताता है उसे अभी जाकर एक्सकवेटर मिला है, उसे वहाँ तक पहुँचने में और वक्त लगेगा। वर्जिल अपनी किस्मत पर रोने लगता है क्योंकि उसके पास अब न कुछ खाने को था न कुछ पीने को, और वो कीथ के आने तक कैसे सरवाइव करेगा। तभी बाहर वो देखता है दूर एक गाड़ी गुजर रही थी। एक बार को वो सोचता है जो सोने का टुकड़ा है उसे ही लेकर निकल जाऊँ यहाँ से, मेरी जान तो बच जाएगी। पर उसका मन अभी भी उस सोने के ढेर पर लगा था। वो गाड़ी वहाँ से गुजर जाती है। शाम वो देखता है उसकी तरफ काफ़ी बड़ा रेटीला तूफान आ रहा है। वो किसी तरह से भागकर अपने शेल्टर में जाता है, पर वो तूफान इतना तेज था वो सब उड़ा ले जाता है। सुबह वो खुद को मिट्टी में दबा पाता है। वो देखता है उसके पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा घुस गया है। वो किसी तरह उठता है, देखता है उसका पेड़ और शेल्टर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। वो अपने बैग में देखता है पर उसमें सोने का टुकड़ा नहीं था। तूफान के आने से सब चीज़ यहाँ वहाँ हो गई थी। पेट में लकड़ी होने से वो चल भी नहीं पा रहा था। वो देखता है सोने का ढेर अभी भी वहीं था। वो किसी तरह पेट से लकड़ी को निकालता है और आग जलाकर उस हिस्से को जला देता है ताकि खून रुक जाए। वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। वहाँ एक महिला आती है, वो वर्जिल को पानी पिलाती है। वर्जिल को लगता है ये वही महिला है जिसको उसने मारकर जला दिया था, ये बस उसके दिमाग का भ्रम है। उसे वो हर जगह दिखने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है। वो फ़ोन की आवाज़ सुनता है। वो फ़ोन कीथ का था। वो बताता है मुझे थोड़ा वक्त और लगेगा, तब तक तुम सोने का अच्छे से ध्यान रखना। तभी पीछे से वही महिला उसे फिर आवाज़ देती है। वर्जिल देखता है वो बिल्कुल उसकी तरह दिखती है, पर उसे लगता है वो उसके दिमाग का भ्रम है। वो महिला कहती है वो उसे अपने साथ उस तरफ ले जा सकती है, वहाँ वाटर होल है और तुम्हारी जान बच सकती है। पर वो कहता है उसे किसी तरह की मदद की ज़रूरत नहीं है, बस वो यहाँ से चली जाए। वो पूछती है क्या तुमने मेरी बहन को यहाँ से जाते हुए देखा है, पर वर्जिल उसे कुछ नहीं बताता और वो वहाँ से चली जाती है। अब आकाश में गिद्ध भी मंडराने लगे थे, उन्हें नीचे अपनी दावत दिख रही थी। शाम हम देखते हैं अब उसका शरीर जवाब दे रहा था। उसने अपने चारों ओर आग लगा रखी थी ताकि कोई कुत्ता उस तक न आ पाए, पर वो आग भी अब ख़त्म होने चली थी। वो कीथ को फ़ोन लगाता है। कीथ बताता है वो उसके बहुत करीब है और आग से उठते धुएँ को देख सकता है। हम देखते हैं वर्जिल को कुत्तों ने चारों तरफ से घेर लिया है। वो किसी तरह से बस उसे नोच खाना चाहते थे। अब उसमें भी इतनी ताकत नहीं थी कि उन्हें वहाँ से भगा सके। वर्जिल उसे जल्दी आने के लिए कहता है। कुत्ते उस पर झपटना चालू कर देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कीथ दूर बैठा दूरबीन से ये तमाशा देख रहा था। वो काफ़ी पहले ही एक्सकेवेटर लेकर आ चुका था, पर वो वहीं रुककर वर्जिल के मरने का इंतज़ार कर रहा था। कीथ के मन में लालच आ गई थी, वो सारा सोना खुद ही लेना चाहता था। अब उसने फ़ोन पर जवाब भी देना बंद कर दिया था। वर्जिल को पता चल जाता है कीथ ने उसे धोखा दिया है। हम देखते हैं कुत्ते उसे नोच कर खाने लगते हैं और उसकी मौत हो जाती है। कीथ वहाँ से उठता है और अपनी गाड़ी लेकर सोने के पास आता है। वो जैसे ही गाड़ी से उतरता है एक तीर आकर उसके सीने में लगता है और उसकी मौत हो जाती है। ये तीर उस दूसरी महिला ने चलाया था, वो वर्जिल के दिमाग का भ्रम नहीं था। वो महिला सच में अपनी बहन को ढूंढते हुए वहाँ आई थी और फिल्म इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस संसार में वो सब कुछ मौजूद है जो एक इंसान की ज़रूरत पूरी कर सकती है, पर ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है जो इंसान के लालच की आपूर्ति कर सके। इससे पहले भी हमने भारत में बनी हुई एक बेहतरीन फिल्म इसी कॉन्सेप्ट पर देखी थी, जिसका नाम है तुम्बाड़, जो कि एक मिथोलॉजिकल हॉरर फिल्म है। उस फिल्म का बेसिक पॉइंट यही था कि लालच जो कि कभी ख़त्म नहीं होती। इन दोनों फिल्मों का कॉन्सेप्ट काफ़ी सिमिलर था और दोनों में इंसान की लालच सोने से जुड़ी थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये फिल्म मुझे कमेंट लाइक करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।